डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के कुलगुरु प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को मानद कर्नल रैंक और एनसीसी के कर्नल कमांडेंट पद से नवाजा गया है। शुक्रवार को विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित पिपिंग सेरेमनी में कुलपति प्रोफेसर गुप्ता को रैंक दी गई। कार्यक्रम में एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल ए के महाजन और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कन्हैयालाल बेरवाल शामिल हुए। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। मानद कर्नल रैंक कभी कभी नागरिकों को किसी विशिष्ट क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन या राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए प्रदान की जाती है। इस पहल का उद्देश्य कुलपति को उनके कार्यकाल के दौरान कर्नल कमांडेंट के रूप में नियुक्त करके विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन और देशभक्ति के एनसीसी के लोकाचार को शामिल करना है। छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना को बढ़ावा और सैन्य सेवा के प्रति उनके झुकाव को मजबूत करने का प्रयास करना होता है। कुलपति प्रोफेसर गुप्ता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह रैंक हासिल करने वाली तीसरी कुलपति हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एनसीसी को बढ़ावा दिया। एनसीसी की गतिविधियों में विश्वविद्यालय के कैंडिडेट्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उनका लगातार एनसीसी के प्रति लगाव है। अनुशासन के साथ विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को एनसीसी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल ए के महाजन ने कहा कि कुलपति प्रोफेसर गुप्ता ने एनसीसी को आगे बढ़ाने कई सालों से काम किया है, जिससे एनसीसी के कैडेट्स को मोटिवेशन मिला है ताकि वह यूनिवर्सिटी के अंदर एनसीसी विषय ले सके। विश्वविद्यालय में एनसीसी को बढ़ावा अनुशासन आदि मापदंडों को देखते हुए इस रैंक के लिए कुलपति का चयन किया गया है। अब वह यूनिफॉर्म पहन सकती हैं, जिससे उनकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी। एनसीसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में एनसीसी कैडेट्स के लिए फायरिंग रेंज बनाई जा रही है ताकि एनसीसी कैडेट्स ट्रेनिंग ले सके। कर्नल कमांडेंट रैंक मिलने के बाद कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि वह रैंक मिलने के बाद विश्वविद्यालय और एनसीसी के प्रति मेरी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। विश्वविद्यालय में एनसीसी के माध्यम से बच्चों को योग्य बनाने का काम किया जा रहा है। अब विश्वविद्यालय में छात्राओं को एनसीसी के प्रति जागरूक कर आगे लाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सागर में एनसीसी के लिए एयर यूनिट शुरू कराने की मांग रखी, जिस पर एनसीसी के अतिरिक्त महानिदेशक महाजन ने कहा कि अभी इस दिशा में कोई नया काम नहीं हो रहा है। जब कोई पहल होगी तो सागर में एयर यूनिट दिलाने का प्रयास किया जाएगा। कि आज का ये जो ऑनरी रैंक मुझे दिया गया है, इसके साथ मेरी जिम्मेदारियां विश्वविद्यालय के प्रति, एनसीसी के प्रति बढ़ी हैं। और जैसे मेरी चर्चा हुई है कि हम अब एनसीसी को और एक नई दिशा दिखाएंगे, मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी कि पंख तो एनसीसी देती है और उन्हें उड़ना खुद ही होता है। दैट वॉज अ वेरी नाइस स्टेटमेंट। मैं भी ये समझती हूँ कि हम उन अपने छात्र छात्राओं को एनसीसी के माध्यम से इतने काबिल बना दें, इतने योग्य बना दें कि वो आगे आने वाले समय में देश में अपनी एक पहचान बना सकें। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक जो यहाँ पर एक संकल्प लिया है कि वो एनसीसी के माध्यम से हमारे छात्रों में, छात्राओं में एक डिसिप्लिन की भावना को जगाएगी, अपने देश प्रेम की भावना को जगाएगी। और इसी के साथ मेरा विशेष संकल्प रहेगा कि विश्वविद्यालय की छात्राओं को हम कैसे और आगे एनसीसी में प्रमोट करें। और आज जैसे मुझे ये रैंक मिला है, हमारे विश्वविद्यालय की छात्र के साथ साथ हमारी छात्राओं को भी इसी तरह का सम्मान मिले। मैम, एक कोर्स शुरू किया गया है आज, तो ये कब से शुरू हो जाएगा, छात्र कैसे इससे जुड़ सकेंगे? कोर्स तो हमारा इलेक्टिव एनसीसी का तो चालू है, ये पिछले 2 सालों से ये चल रहा है। और एक विभाग हम लोगों ने और शुरू किया है, जिसमें हम चाहते हैं कि एक रेगुलर सब्जेक्ट की तरह से एनसीसी को शुरू किया जाए। तो वी आर अंडर प्रोसेस, उसको थ्रू आवर काउंसिल इट हैज बीन अप्रूव्ड एंड वी विल शॉर्टली बी स्टार्टिंग। अभी आपने अपने उद्बोधन में कहा कि एनसीसी है तो देश प्रेम है, कैसे डिफाइन करेंगे? मैं ये समझती हूँ कि देश प्रेम की जो एक भावना होती है, वो एक त्याग और समर्पण की भावना से होती है, एक डिसिप्लिन की भावना से होती है। और एनसीसी यही सब सिखाती है। एनसीसी ये सिखाती है कि हम कैसे एक संतुलित अपना जीवन व्यवहार कर सकें, ये हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने देश से प्यार करें। और मैं ये समझती हूँ कि यदि किसी देश को तरक्की करनी है, यदि किसी देश का उत्थान होना है, वो तभी हो सकता है जब हम अपने देश से सच्चा प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है कि एनसीसी एक बहुत बड़ा माध्यम है जो हमें देश प्रेम की भावना जगाएगा, और इसके माध्यम से हम अवश्य ही पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान। एनसीसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आज मेरे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है कि आज मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आ सका और प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को ऑनरी कर्नल कमांडेंट बनाए।
मैडम का कंट्रीब्यूशन एनसीसी की तरफ काफ़ी रहा है पिछले सालों में, और इस रैंक मिलने का पूरा यकीन है कि उनका कंट्रीब्यूशन एनसीसी को और बढ़ावा देने का, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का, ताकि कैडेट अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग ले सके और भी बढ़े। ये सभी वाइस चांसलर्स को ये ऑनरी रैंक नहीं दिया जाता है, ये उनके अच्छे कार्य के लिए उनको दिया जाता है। इसके लिए मैं आपको हार्दिक देना चाहूँगा, हमारे डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह की तरफ से भी, जिन्होंने उनको ये रैंक दिया। स्वरोजगार अब आपके द्वार, अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड सागर, 9893212448, 9516239221, 7400849380, 8959991015।